हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं सलीम खान दिल्ली से, वही इधर से और बोल रहे ये हैं। मैं आप आपको कैसे हो? दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही बेस्ट बॉल। ये टेक्सचर है, मार्बल फिनिश। ये जो है मेरे पास मार्बल फिनिश का डब्बा है, ये 1 लीटर का है। इसके अंदर जो है हमने कलर बनवाया हुआ है, इसके अंदर कलर डला हुआ है, तो ये थोड़ा सा ब्लैक टाइप में कलर रहेगा। और इसका जो पैटर्न बनाने वाले हैं हम मल्टी चलो कलर का, ब्लैक एंड वाइट दो कलर हमने लिए हैं। ये दो कलर मिला के बहुत ही प्यारा पैटर्न बनाएंगे और आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। पूरी वीडियो अच्छे से देखना और बताएंगे। ये ट्रॉवल से माल एक साइड में लगा देना है सीधे तरीके से, और हल्की हल्की लाइनें हम बनाएंगे दोनों कलर मिक्स करके। ये पहला स्टेप है, थोड़ा अच्छे से माल लगा लेना है दीवार पर। ये देखिए, बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, माल को इस तरीके से लगा देना है। फिर उसके ऊपर हम बफिंग करेंगे, मशीन से भी बफिंग कर सकते हैं एंड हाथ से भी कर सकते हैं। बाकी पहले आप ये माल लगाने का तरीका देखिए, किस तरीके से माल लग रहा है इस पर। आप इसी तरीके से जो है अगर पैटर्न बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल वॉल टेक्सचर बनेगा आपका। और बफिंग कर दी है थोड़ी बहुत, इसकी अभी भी बफिंग चल रही है, और ये देखो शाइनिंग इसमें आनी स्टार्ट हो गई। बफिंग करने से इसमें स्टार्ट हो गई शाइनिंग। तो ज़्यादा ध्यान देना है बफिंग के ऊपर, किस तरीके से बफिंग करनी है। पैटर्न, पहली बात हमें पैटर्न अच्छे से बना लेना है। ब्लैक और वाइट का हमने पैटर्न बनाया है ये, और बफिंग जो है इसके ज़्यादा से ज़्यादा बफिंग करें। बफिंग करने से हमारी वॉल में चिकनावट आएगी और शाइनिंग आएगी, ग्लास जैसी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इस पर मशीन, रबिंग मशीन जो होती है, रबिंग मशीन चलाएंगे इस पर। तो ये जो भी है थोड़ी बहुत शाइनिंग जहाँ कम रह जाती है, वो रबिंग मशीन से पूरी अच्छे से हर जगह से फिनिशिंग हो जाएगी एंड वॉल की रबिंग हो जाएगी। और हम पैड उसमें यूज़ करेंगे, बड़ा वाला पैड यूज़ करेंगे। ये देखो, ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है, और ये देखो इसमें शाइनिंग आनी शुरू हो गई। जहाँ भी हम पैड लगाएंगे वहाँ से हम मशीन का पैड जहाँ भी चलेगा वहीं से शाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ग्लास वाली फिनिशिंग इसमें जो है आ जाएगी। तो ध्यान रखें भाई, ये बड़े बाल वाला पैड है, इसको अच्छे से मशीन में लगा के और उस पर दीवार पर खूब चला देना है अच्छे से। इसके बाद इस पर रबिंग वैक्स भी लगा सकते हैं, हमने इस पर वैक्स नहीं लगाया है, बिना वैक्स की ये फिनिशिंग है। और वैक्स लगा के अगर इस पर कर देंगे तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको जो है थोड़ा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये वॉल हमने बनाई है, और ये आपको वॉल कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखना।